हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। सबसे पहले जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ इसमें उन सभी को मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली आप सभी को जॉब मिल चुकी है और अब काफ़ी जगह बच्चों को मेल आना भी स्टार्ट हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काफ़ी कुछ है जो बच्चों को नहीं पता। उनके मैसेज आ रहे हैं कि इसमें क्या करना है, कौन से सर्टिफिकेट ज़्यादा नेसेसरी हैं, कहाँ से क्या बनेगा। तो इस वीडियो में मैं सारी ही डिटेल आपको बताऊँगा, चाहे वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की हो या पुलिस वेरिफिकेशन की या फिर जो भी बॉन्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सारा ही जितना कुछ उन्होंने मेल किया है मैं सभी के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, एटलीस्ट अपनी एंगेजमेंट बताएं। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, ये मध्य प्रदेश का आया है मेरे पास, तो मध्य प्रदेश का मैं आपको बताता हूँ। एक तो पूरी लिस्ट दी हुई है जो आपको खाली प्रिंट आउट लेके जाना है और इसकी आप कम से कम 3 सेट, देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताया एटलीस्ट आप 3 सेट तो उसकी कॉपी करा के लेके जाइएगा। और जो फोटो अगर ये 5 बोल रहे हैं तो आप कम से कम 15 लेके जाओ, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि उस टाइम पे दिक्कत हो जाती है। तो उस टाइम दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, इसलिए पहले से ही तैयार रहो। कुछ नहीं आता 4-5 फोटो एक्स्ट्रा रख लेने से। साथ ही साथ जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है, पैन कार्ड बनवा लें, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि आपको बाद में सैलरी मिलेगी तो उसके लिए पैन कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो वो सही करा लें, अभी काफ़ी टाइम मिला हुआ है। इनकेस आपका टाइम लिमिट में नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट उसकी जो रिसिप्ट रहेगी आप वो लेके आइएगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो आपसे एक एफिडेविट में साइन करवा लेंगे, वो प्रॉब्लम लिख के जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, और ज्वाइनिंग के टाइम आपको वो चीज़ प्रेजेंट करना होगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अभी आप नहीं बनवा पा रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का जो सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से वो, 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, साथ साथ जो आपकी डिग्री है उसकी मार्कशीट्स आप सारी कैरी करिएगा, और अगर आपने पीजी किया है तो उसकी भी। अगर आपके पास डिग्री नहीं आई है तो प्रोविजनल डिग्री आप निकलवा लीजिए, प्रोविजनल से भी काम हो जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने कैटेगरी से अप्लाई किया है वो अपने कैटेगरी का सेंट्रल के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। आपको अगर फॉर्मेट चाहिए तो RRB का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लास्ट में फॉर्मेट्स दिए हुए हैं सारे ही कैटेगरी का। वैसे तो इनकम सर्टिफिकेट इसमें मांगा नहीं, बट मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप सेफ साइड खेलें और इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें। डोमेसाइल भी इन्होंने मांगा नहीं है, बट डोमेसाइल भी आप लेके जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो इन्होंने मांगा है, तो वो सर्टिफिकेट काफ़ी लोगों ने सर्टिफिकेशन उससे किया नहीं है, बल्कि डिप्लोमा डिग्री भी उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर वो क्या प्रेजेंट करें वहाँ पर। तो देखिए, इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्म भरते टाइम ही भरा होगा कि आपने एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ा है, तो अगर आपके 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट था तो वो मार्कशीट को आप उसकी जगह लगा सकते हैं, वो सफिशियंट है। बेसिकली उन्हें जानना है कि आपने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा है या नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज है कि नहीं। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास कोई भी लैंग्वेज का आपने सर्टिफिकेशन किया है, C++ जावा, तो आप वो भी साथ में लगा सकते हैं। तो ये जो एफिडेविट दिया हुआ है 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाया जाएगा। एज इट इज़ आप मैटर को कॉपी कर लेना और ये डिटेल अपनी फिल करवा देना। इधर पे आपका नाम आएगा, आपके पापा का नाम आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, यहाँ एज आएगी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखे रहेंगे। इसमें बेसिकली ये है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अगर इनकेस फ्यूचर में पाया जाता है तो आपको टर्मिनेट कर देंगे बिना कोई रीज़न दिए। तो ये आपका एक 500 रुपये के स्टाम्प पे होगा। इसके अलावा हम चलते हैं 50,000 का जो बॉन्ड है उसके जो एफिडेविट बनवाना है उस पर। तो 50,000 का जो बॉन्ड का एफिडेविट बनवाना है वो बनेगा 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, ठीक है। ये भी नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा, जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनता है ना, उस तरीके से ही होगा। तो यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी, एज इट इज़ पूरा मैटर उस पर ही आ जाएगा स्टाम्प पेपर पर। यहाँ पर आपकी डिटेल आएगी और इधर पर देखिए, मैंने बात की है फ़ोन करके अपने RRB पे। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो आपके मेल पे एक नंबर आया होगा साथ में, आप उस नंबर पे कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका सिक्योरिटी बॉन्ड है इसमें आपके पिताजी का नाम आएगा, जिनके फादर नहीं है वो अपनी मदर का भी डाल सकते हैं या फिर अपने भाई का भी डाल सकते हैं। तो सिक्योरिटी किसी को लेना पड़ेगा तो उधर पर इन्हीं का नाम आएगा, आपके फादर का, अगर वो नहीं है तो आपकी मदर का या फिर आपके ब्रदर का, उनका नाम आएगा। और ये सारी कंडीशंस लिखी हुई है और 2 विटनेस लगेंगे इसमें। तो जो विटनेस लगेंगे उनकी भी इधर पे जो ID होती है वो लगेगी, जो कि हर स्टाम्प के काम में लगती है। तो आप 2 विटनेस भी तैयार कर लेना, और विटनेस ऐसे हों जो आपके ब्लड रिलेशन से ना हो, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट रिपोर्ट
मतलब जो पुलिस वेरिफिकेशन का है लेटर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये एसपी ऑफिस से होगा ये। मतलब आपको पहले ये पूरा मैटर तैयार करके एसपी ऑफिस जाना होगा, एसपी ऑफिस से आपके जो निजी थाना है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा आपको, वहाँ से आपका टीआई इसको साइन और सील कर देगा अगर आप पे कोई केस नहीं होगा तो, और फाइनली आपकी इधर पे रिपोर्ट लिख देगा और इधर पे साइन सील हो जाएगा। तो ये आपको साथ में लेके जाना, बनवा के लेके जाना है, ये नहीं कि इसको आप खाली ले जाएं। बहुत से लोगों ने बताया है कि खाली ले जाके वहाँ पे जमा होता है, बट ऐसा नहीं है। मैंने उनसे ही बात की है आरआरबी में कॉल करके, जो एचआर टीम रहती है, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपको पूरा रिपोर्ट तैयार करके ही लेके जाना है। अब हम चलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेंगे तीन, इसी फॉर्मेट में आप इसका प्रिंटआउट निकाल लीजिएगा। और इसके बाद एक आप जहाँ पे लास्ट टाइम या तो कॉलेज किए हैं या फिर आप जहाँ पे जॉब किए हैं वहाँ से एक ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके अलावा एक बनेगा जो भी गजटेड ऑफिसर है उससे, और जो तीसरा रहेगा वो बनेगा जो भी आपके नोन पर्सन हैं, जो आपको 1 साल से ज़्यादा टाइम से जानते हैं और रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं या फिर कुछ भी अच्छी पोस्ट पर हैं जो नोन पोस्ट होती है, तो उनसे एक बन जाएगा। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड जो रेफरी का जो फॉर्म रहेगा उसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। इसके बाद जिन दो लोगों से आप अपना वो बनवा रहे हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उनकी यहाँ पे डिटेल उनसे डलवा लेना, तो आपका काम हो जाएगा, या आप खुद ही डाल लेना उनसे पूछ के, तो आपका काम हो जाएगा रेफरी वाला भी। देखिए, क्योंकि जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहा है वो ऑलरेडी आपका नोन है, उसमें लिखा हुआ 1 साल से ज़्यादा टाइम से जानता हो, तो इसमें आप उनसे फिल करवा सकते हो। मैंने बात की है, उधर से क्लैरिफाई मिला है, उसके बाद में ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके अलावा एक फॉर्म था सीबीडी का, तो जो आपका श्योरिटी बॉन्ड 50,000 वाला था उसमें आपके फादर की इन्फॉर्मेशन थी, तो उसी से रिलेटेड इस फॉर्म में वो पूरी डिटेल आएगी, जो आपकी गारंटी ले रहे हैं उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी, उनके परिवार में कौन कौन है वो सब चीज़, संबंध क्या क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनकी आएगी, और यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा और डेट और प्लेस रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है या फिर कुछ सजेशन आप देना चाहते हो, या मेरी कुछ बताई हुई चीज़ आपको गलत लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं, मैं उस चीज़ के बारे में और पता करके अगले वीडियो में आऊँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।